तो आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर। में इस वीडियो में हम क्लास 8 का मिशन गणित का मिशन मैथमेटिक्स का दिनांक 16 अगस्त 2023 का क्वेश्चन ऑफ द डे लेकर के उपस्थित हूँ। यहाँ पे सवाल है, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने बाढ़ राहत कोष में 1600 रुपये दान किए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही पैसे दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ स्कूल डोनेटेड 1600 इन ऑल फॉर फ्लड रिलीफ। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इन क्लास। अब देखिए, इसके लिए 16 का पहले स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं और फिर या तो लेट करके भी मान सकते हैं, तीन तरीके से इसको बना सकते हैं। लेट इस तरह से भी मान सकते हैं, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 8th क्लास इक्वल टू एक्स। ईच स्टूडेंट जितने बच्चे थे उतने ही वो रुपये दान कर रहे हैं, तो ईच स्टूडेंट डोनेटेड एक्स रुपीज। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स इंटू एक्स बराबर में 1600 हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर बराबर में 1600। अब देखिए, 1600 को हम जो है दो विधियों से करने की कोशिश करेंगे। 1600 को अभाज्य गुणनखंड विधि से भी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। यहाँ पे जीरो है तो दो से डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 8 2 16 होता है, तो फिर जीरो और जीरो, अभी जीरो है तो फिर टू से जाएगा, तो यह हो जाएगा 400। अभी जीरो है फिर टू से जाएगा, तो यह हो जाएगा 200। अभी जीरो है तो फिर टू से जा सकता है, तो यह हो जाएगा 100। अभी जीरो है फिर टू से जाएगा, तो यह हो जाएगा 50। फिर जीरो है टू से जाएगा, तो यह हो जाएगा 25। अब 5 से जा सकता है, 5 5 जा 25, और 1600 तो इसको लिख सकते हैं 1600 बराबर में 1600 बराबर में 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 6 बार हो गया, और 5 2 बार है 1 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ रूट 16 सॉरी रूट 1600 बराबर में इस सबको रूट के अंदर ले लिए, तो 6 बार 2 है और 5 2 बार है, तो इसमें से जो चौड़ा बन जाता है दो में से एक निकलता है, इसका भी जोड़ा बन गया, सॉरी यहाँ पे 5 है 2 बार, तो यहाँ भी 5 आ गया, तो इस तरह से 2 2 4 2 8 5 40 हो गया 40। या दूसरा तरीका यह है, भाग विधि से भी निकालते हैं। 1600 1600 है उसको इधर से हम पेयर बनाएंगे 1 और 1 2। अब दो जोड़े हैं
तो दो अंक टू डिजिट का होगा, इसमें टू डिजिट इसका स्क्वायर रूट होगा। अब देखिए यहाँ पे 16 से पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, पाँच चार का स्क्वायर 16। 16 मतलब जो संख्या है उससे छोटी या बराबर होनी चाहिए, तो चार से देंगे तो चार चौके 16 हो गया, ये कट गया। अब जीरो आया, ऊपर से उतरने के बाद अब इस पे कोई अंक देंगे उसी से गुणा करना पड़ता है, तो क्या अंक देंगे, जीरो है तो जीरो से ही गुणा करेंगे, तो ये जीरो जीरो हो जाएगा। जब ऊपर से कोई अंक उतारे तो भाग देना ज़रूरी है, चाहे जीरो से लगे, शेषफल के रूप में हो सकता है, बात सकता है। तो ये 40 आ गया, दोनों विधि से आपने देखा 40 इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 16 100 का रूट, तो जो आया 40। तो आंसर क्या कह रहा है, आंसर देना है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8 इजकल टू 40, जैसे पूछा जाए उसी तरह आंसर दिया जाता है। उम्मीद है समझ में आएगा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।